हेलो टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। तो आज ये लेटर आया है 27 सितंबर 2009 में रिगार्डिंग सेट टू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। तो अक्टूबर 2021 में जो सेट एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आया है लेटर। तो इसमें लिखा गया है कि जो अवसर ऐप पर सेट का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर का, वो कक्षा 3 से 8 का होगा, और जो कक्षा 9 से 12 का पेपर होगा वो केवल किसका होगा, वो केवल 9 से 12 का होगा। ठीक है, 3 से 8 का पेपर जो है अवसर ऐप पर होगा और 9 से 12 का ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, यानी पेपर ऑफलाइन का मतलब कॉपी पेन पे होगा। फिर उसके बाद है आपके पास, ये आप याद रखें कि कक्षा 3 से 8 का पेपर अवसर ऐप पर ही होगा, जैसे पहले होता था। ठीक है, जैसे पिछला पेपर हुआ था वैसे ही होगा, और 9 से 12 का होगा ऑफलाइन। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो सेट का एग्ज़ाम होगा वैसे ही होगा कि अवसर ऐप पर सुबह 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक पेपर एक्टिव रहेगा। उस दौरान बच्चा कभी भी पेपर कर सकता है सेट का। ठीक है, जो डेट शीट में डेट होगी ना, उस डेट में सुबह 5 बजे से अगली डेट सुबह 5 बजे तक, यानी 24 घंटे में बच्चा कभी भी पेपर कर सकता है। फिर उसके बाद है टीचर्स, अब ये क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे सेट का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। ये अध्यापक साथी सभी नोट करें कि सभी बच्चे ये एग्ज़ाम दें। फिर उसके बाद कहते हैं कि दे कैन हेल्प, अब टीचर का क्या काम हो सकता है, वो अपने फ़ोन पर बच्चों का पेपर करवा सकते हैं, लेकिन पेपर में बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, अध्यापक के फ़ोन से बच्चे पेपर कर सकते हैं, उनको लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन पेपर बच्चे अपने आप ही करेंगे। फिर आगे है कि स्कूल हेड जो हैं वो पेपर सेट को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब है, इसके मतलब है ये कि कई बच्चे क्या होता है कि कई बच्चों का पेपर दूसरे बच्चे कर लेते हैं, और फिर वो बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर तो सर किसी और ने कर लिया, तो अध्यापक जो है उस बच्चे का पेपर रीसेट करवा सकता है। रीसेट का मतलब कि बच्चा, अध्यापक जो है अवसर ऐप पर उस पेपर को दोबारा से एक्टिवेट करेगा रीसेट ऑप्शन में जाके, और बच्चा दोबारा से अपना पेपर कर सकता है। ठीक है, ये अध्यापक ही कर सकते हैं, स्कूल के मुखिया ही, प्रिंसिपल कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे रीसेट करना है। फिर उसके बाद है, जब तक अब ये एग्ज़ाम नहीं होगा, सभी एग्ज़ाम पूरे नहीं हो जाते अवसर ऐप पर या जो सेट टू के एग्ज़ाम हैं, तब तक अवसर ऐप पर कोई और एक्टिविटी हमने नहीं करनी, जैसे डेली अटेंडेंस लेनी है बच्चों की वो नहीं करनी, डेली सर्वे आता था वो नहीं करना। ठीक है, फीडबैक फॉर्म है जो, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम उधर से ये काम करेंगे और उधर से सेट का एग्ज़ाम होगा, तो अवसर ऐप जो है वो उसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और वो कई बार क्रैश हो जाता है अवसर ऐप। ठीक है, उससे बचने के लिए सरकार ने कहा है कि अवसर ऐप पर केवल सेट का एग्ज़ाम ही करेंगे, उससे अलावा कोई और कार्य नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है, इसने ये देखो अलग से लिख दिया है, डेली सर्वे विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग एग्ज़ाम, यानी डेली सर्वे नहीं करना। और जो क्लास 6 से 8 के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे संस्कृत है, पंजाबी है, ठीक है, तो ये पेपर जो हैं अवसर ऐप पर नहीं होंगे, ये अपने अध्यापक जो हैं ऑफलाइन लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है, नो अदर क्लासेस विल बी लॉग इन ऑन अवसर ऐप, यानी कोई दूसरी क्लास जैसे 9 से 12 के बच्चे अवसर ऐप पर लॉग इन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अवसर ऐप जो है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा, तो इससे अवसर ऐप सही नहीं चलती। फिर उसके बाद जो 9 से 12 के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, उनकी जो सॉफ्ट कॉपी है पेपर की, सॉफ्ट कॉपी जो है दिन के दिन जो है स्कूल डीओ के द्वारा स्कूल के को मेल की जाएगी। ठीक है, और फिर उस मेल
पे सॉफ्ट कॉपी जो आएगी मेल पर उसके प्रिंट स्कूल वाले करवाएंगे, और स्कूल के मुखिया जो है प्रिंसिपल जो है CCWF से 2 रुपये पर पेपर के हिसाब से ये प्रिंट करवा सकता है, यानी उसका खर्च जो है CCWF से किया जाएगा 2 रुपये एक पेपर के हिसाब से। तो ये स्कूल मुखिया और अध्यापक साथी नोट करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा पे एग्ज़ाम में और बाकी सभी छोटे क्वेश्चन होंगे, तो छोटे क्वेश्चन जो हैं वो तो आप जो भी प्रिंट निकलेगा उसी में टिक कर सकते हो, या रिटर्न में उसमें थोड़ी एग्ज़ाम होगी, जगह होगी वहाँ पे आंसर लिख सकते हो। और जो बड़ा क्वेश्चन है उसके लिए आपको स्कूल से सेपरेट सीट मिल जाएगी अलग से, 9 से 12 के बच्चों के लिए है ये। और ये भी है कि केवल वही बच्चे स्कूल में आएंगे जिनका उस दिन एग्ज़ाम है, बाकी सभी बच्चों की छुट्टी रहेगी जो बच्चे 9 से 12 के हैं। और सभी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको डेट शीट बता देता हूँ, तो इसके बाद आपको डेट शीट इसके साथ ही मैंने डाल दी है, ये डेट शीट आप नोट कर लीजिए जिस जिस डेट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बच्चों यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आप स्कूल से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और इस चैनल के माध्यम से मैं साइंस और मैथ की तैयारी भी करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।